हेलो गाइज, और सब कैसे? आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हीट कंडक्शन। ठीक है, मतलब कि अभी तक हम, जैसे मैंने अभी पहले वाले लेक्चरों में बढ़ाया, उसमें मैंने ये बताया कि जो वन डायमेंशनल हीट कंडक्शन, मतलब कि एक डायरेक्शन में ही हीट का कंडक्शन हो रहा है, हीट कंडक्ट हो रही है, या तो एक्स डायरेक्शन में या वाई या जेड। क्यों? क्योंकि जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो हम एक डायरेक्शन में ले रहे थे, या तो एक्स में ले रहे थे। तो अब जाहिर सी बात है, जिस डायरेक्शन में टेम्परेचर डिफरेंस होगा उस डायरेक्शन में हीट ट्रांसफर होगा। ये पर अगर हम जनरल, अगर हम ऐसी चीज़ करें कि जनरल कोई एक इक्वेशन निकालें, जनरल इक्वेशन निकालें, और उस जनरल इक्वेशन से सारे जो हमारी दिक्कतें हैं वो सॉल्व हो जाए। जैसे अब जैसे हम हीट वन डायमेंशनल देख रहे थे, तो कभी क्वेश्चन में टू डायमेंशनल भी आ सकता है, थ्री डायमेंशनल भी आ सकता है। तो हम एक जनरल इक्वेशन निकालते हैं जिससे थ्री डायमेंशनल का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, टू डायमेंशनल का, वन डायमेंशनल का। ठीक है, और उस जनरल इक्वेशन में हम हीट जनरेशन का भी टर्म लेंगे। अभी तक हम हीट जनरेशन का टर्म नहीं लेते थे। हीट जनरेशन मतलब कि उस बॉडी के अंदर हमने कोई एक्सटर्नली सोर्स रखा है जो हीट जनरेट कर रहा है, और उस हीट जनरेशन की वजह से हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, उसकी जो बॉडी है उसके थ्रू हीट ट्रांसफ़र हो रहा है। क्योंकि जब हीट जनरेट होगी उस बॉडी के अंदर तो हीट ट्रांसफ़र ऑब्वियसली होगा। एक तो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हो रहा है। टेम्परेचर डिफरेंस क्या, जो बाउंड्रीज हैं, अरे जो कोई भी बॉडी होगी उसकी बाउंड्री पे कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा, तो जो बाउंड्रीज हैं उनके बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस है उसकी वजह से हीट का ट्रांसफ़र हो रहा होगा। और एक जो उस बॉडी के अंदर हमने कोई हीट जनरेटिंग सोर्स रख दिया, तो उसकी वजह से भी वो बाउंड्री के थ्रू क्या होगा, हीट ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, तो इस वाले जनरल इक्वेशन में एक तो टेम्परेचर का वेरिएशन एक्स वाई जेड डायरेक्शन में सॉल्व होगा, और जो हीट जनरेशन हो रहा है उस वो भी देखा जाएगा, और टेम्परेचर आपका जो अभी तक हम वन डायमेंशनल स्टडी स्टेट कहते थे ना, स्टडी स्टेट मतलब टेम्परेचर इज नॉट ए फंक्शन ऑफ टाइम। मतलब कि जो दो बाउंड्रीज है ना, तो इस बाउंड्री पे जो टेम्परेचर है वो वेरी नहीं कर रहा है टाइम के साथ। मतलब अगर टेम्परेचर T1 है तो T1 ही है, इस स्टडी स्टेट का मतलब यही हुआ। अब इस बाउंड्री पे जो टेम्परेचर T2 है वो टेम्परेचर T2 ही रहेगा, वेरी नहीं कर रहा। दो अलग अलग बाउंड्रीज पे अलग अलग टेम्परेचर हो सकते हैं, पर उन दोनों बाउंड्रीज का टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, यही स्टेडी स्टेट है। मतलब टेम्परेचर इज नॉट ए फंक्शन ऑफ टाइम, पर जरूरी नहीं है, टेम्परेचर चेंज हो भी सकता है बाउंड्री पे, तो अनस्टेडी स्टेट भी हो सकती है। ठीक है, तो इस जनरल इक्वेशन में हम सारे टर्म आ जाएंगे, हीट जनरेशन भी आ जाएगा, स्टेडी अनस्टेडी स्टेट भी आ जाएगा। ठीक है, और जो टेम्परेचर जो फील्ड है एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में, तीनों सब टर्म आ जाएंगे। तो इस जनरल इक्वेशन से हम सारे क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो वन डायमेंशनल हो, टू डायमेंशनल हो, थ्री डायमेंशनल हो, समझे? तो अब देखो, एक जनरल बॉडी है, एक कोई जनरल बॉडी है, उसके अंदर से मैंने एलिमेंट ले लिया, ठीक है, क्यूबिक एलिमेंट ले लिया, डी एक्स थिकनेस एक्स डायरेक्शन में, डी वाई थिकनेस वाई डायरेक्शन में, डी जेड थिकनेस जेड डायरेक्शन में, ठीक है ना, एक्स वाई जेड। और मैंने यहाँ पर इसका एक मैग्नीफिकेशन मैग्नीफाइड व्यू बनाया है, डी एक्स डी वाई डी जेड। ओके, अब आपको जो हीट जनरेशन इसमें मैं ले रहा हूँ, तो हीट जनरेशन मैंने क्या माना है, क्यू डॉट, हीट जनरेशन क्यू डॉट, जो क्या है, वॉट पर मीटर क्यूब, मतलब पर यूनिट वॉल्यूम मैंने माना है हीट जनरेशन क्यू डॉट। मैंने एक्सटर्नली का यहाँ पर कोई सोर्स रखा है इस बॉडी के अंदर जिससे हीट जनरेट हो रही है, और वो जो हीट जनरेट हो रही है, तो जो ये सिस्टम है मेरा, जो मैंने ये एलिमेंट लिया है, जो इसकी बाउंड्रीज हैं, बाउंड्रीज कौन सी है, ये वाली जो बाउंड्रीज हैं, इससे हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, समझे? और अब इन बाउंड्रीज पे जो ये देखो, यहाँ से अब इस डायरेक्शन से क्यू एक्स हीट कंडक्ट हो रही है, क्यू एक्स हीट कंडक्ट हो रही है, और इन हो रही है, इस एलिमेंट में इन हो रही है, और यहाँ से आउट हो रही है, क्यू एक्स प्लस डी एक्स हीट,
आउट हो रही है, क्योंकि सॉलिड बॉडी है तो कंडक्शन होगा। क्यों हो रही है x प्लस डी एक्स? क्योंकि डी एक्स थिकनेस है और क्यू एक्स यहाँ से अगर इन हो रही है तो क्यू एक्स प्लस डी एक्स आउट हो रही है। और बेसिक बात है ना, अगर हम x डायरेक्शन की, अगर मैं y डायरेक्शन में बात करूँ तो y डायरेक्शन में देखो इस सिस्टम पे बाउंड्री क्रॉस कर रही है क्यू आई डायरेक्शन, ये बाउंड्री क्रॉस कर रही है नहीं, इस डायरेक्शन में हीट कंडक्ट हो रही है और यहाँ से आउट हो रही है क्यू वाई प्लस डी वाई। वाई प्लस डी वाई कैसे? क्योंकि वाई क्यू वाई एंटर हो रही है तो डी वाई थिकनेस हो गई तो क्यू वाई प्लस डी वाई आउट हो रही है। ऐसे ही क्यू जेड इन हो रही है, क्यू जेड प्लस डी जेड आउट हो रही है, हीट कंडक्ट हो रही है और सिस्टम के अंदर हीट जनरेशन हो रहा है क्यू डॉट मतलब वाट पर मीटर क्यूब, समझ गए, पर यूनिट वॉल्यूम। इतनी बात समझ आ गई? अब भाई जब हीट यहाँ से कंडक्ट हो रही है, यहाँ से इन हो रही है, यहाँ से आउट हो रही है, अब आपको पता है कि तो ये जो ये सिस्टम है मेरा, इसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो चेंज होगी, ऑब्वियसली बात है चेंज होगी। अब आपको पता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, समझे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी बैलेंस इक्वेशन लगेगी इसमें, एनर्जी बैलेंस इक्वेशन कि जितनी इन हो रही है, समझ, मतलब कि अगर हम कहें कि जो इन हो रही है और जो आउट हो रही है और प्लस जो हीट जन क्यू इन माइनस क्यू आउट, नेट हीट एनर्जी कंडक्टेड इनटू द एलिमेंट, नेट हीट एनर्जी कंडक्टेड मतलब कि क्यू एक्स यहाँ से आई, क्यू एक्स प्लस डी एक्स यहाँ से निकली, तो क्यू एक्स माइनस क्यू एक्स प्लस डी एस तो नेट, और ऐसे ही क्यू वाई माइनस क्यू वाई प्लस डी वाई, और ऐसे ही क्यू जेड माइनस क्यू जेड प्लस डी जेड, तो जो नेट हीट इस एलिमेंट के अंदर है और प्लस जो हीट जनरेशन इसके अंदर हुआ है वो क्या हो, किसके बराबर होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द एलिमेंट। ऑब्वियसली बात है कि भाई जो हीट जनरेशन इसके अंदर हो रहा है, कुछ हीट निकलेगा तो इसकी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, होगी प्लस, अब जो यहाँ से हीट इन हुई और यहाँ से आउट हुई तो इन दोनों का जो हीट इन और हीट आउट का जो डिफरेंस होगा उसकी वजह से जो इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, है नहीं, इंटरनल ऑब्वियसली बात चेंज होगी, तो वो ये किसके बराबर हो जाएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ दैट एलिमेंट, समझ गए ना। तो जितना भी है ना, ये रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है, ये रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, समझ गए ना। अब भाई कितने क्यू एक्स यहाँ से हीट कंडक्ट हो रही, कितनी हीट कंडक्ट हो रही है, फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन, कितनी हीट कंडक्ट हो रही, क्यू एक्स माइनस के थर्मल कंडक्टिविटी, एरिया, इसका एरिया कितना है, कितनी हीट हुई यहाँ से, क्यू एक्स डी जेड डी एक्स डी जेड डी वाई, भाई ये जो स्क्वायर बन रहा है, ये जो बन रहा है रेक्टेंगल, इसका कितना एरिया होगा डी जेड, और ये कितना है डी वाई, डी जेड डी वाई, क्योंकि के ए और डेल टी ओवर डेल एक्स, ये इतना तो हीट कंडक्ट हुआ होगा ना, है नहीं। अब यहाँ से कितनी आउट हो रही है, कितनी आउट हो रही है, क्यू एक्स प्लस डी एक्स, कितनी आउट हो रही है भाई, क्यू एक्स प्लस डी एक्स, माइनस के, समझ गया ना, माइनस के कितना एरिया है, ये कितना है डी वाई डी जेड, कितना है डी वाई डी जेड, है नहीं, डी वाई डी जेड, और डेल टी ओवर डेल एक्स, पहले तो इतना आएगा, फिर डेल ओवर डेल एक्स माइनस के
डी वाई डी जेड डेल टी ओवर डेल एक्स इंटू डी एक्स। समझे ना? अब देखो क्यू एक्स प्लस डी एक्स कैसे निकाला मैंने, इतना ये तो हीट आ ही रहा है प्लस प्लस इसका डिफरेंशिएशन डेल ओवर डेल एक्स ऑफ माइनस के डीवाई डी जेड डेल टी ओवर डेल एक्स इंटू कितनी थिकनेस डी एस थिकनेस। समझे ना भाई? पहले तो ये जो हीट कंडक्ट हुआ प्लस इतने डी एस थिकनेस और इसका डिफरेंशिएशन, तो यहां से क्या आ गया फिर है? यहां से क्या आ गया? अगर मैं माइनस के dy dz अगर कॉमन लूं, dy dz कॉमन लिया मैंने, अंदर क्या बचा माइनस के डेल टी ओवर डेल एक्स प्लस डेल ओवर डेल एक्स माइनस के डेल टी ओवर डेल एक्स इंटू डी एक्स। नहीं भाई, डी वाई डी जेड मैंने कॉमन ले लिया पूरे में से, क्योंकि डी वाई डी जेड तो भाई कॉन्स्टेंट है ना, डी वाई डी जेड, तो ये आ गया क्यू एक्स प्लस डी एस। अब ऐसे ही क्यू वाई आएगा, क्यू वाई क्या आएगा माइनस के क्यू वाई यहाँ से डी एक्स और डी जेड डी एक्स डी जेड और डेल टी ओवर डेल वाई और क्यू वाई प्लस डी वाई कितना आएगा, क्यू वाई प्लस डी वाई डी एक्स डी जेड ठीक है माइनस के डेल टी ओवर डेल वाई प्लस डेल ओवर डेल वाई माइनस के डेल टी ओवर डेल वाई डी वाई। समझ रहे हो ना? ऐसे ही क्यू जेड आएगा माइनस के डी एक्स, क्यू जेड क्या है ये इस डायरेक्शन में, तो ये वाला एरिया कितना है डी वाई डी एक्स डी वाई डेल टी ओवर डेल जेड, तो क्यू जेड प्लस डी जेड कितना आएगा डी एक्स वाई डी एक्स डी वाई मैंने कॉमन ले लिया माइनस के डेल टी ओवर डेल जेड प्लस डेल ओवर डेल जेड माइनस के डेल टी ओवर डेल जेड डी जेड। समझे ना? तो क्या आ गया, ये आ गया क्यू, इतना यहां से हीट कंडक्ट, फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन आया। अब भाई नेट अमाउंट ऑफ हीट कंडक्टेड पर यूनिट टाइम, क्योंकि सब पर यूनिट टाइम चल रहा है, हीट ट्रांसफर रेट ही है ये, समझे? नेट अमाउंट ऑफ हीट कंडक्टेड इन dx dy dz एलिमेंट पर यूनिट टाइम कितना होगा भाई? क्या कहा था मैंने, क्यू एक्स प्लस क्यू वाई प्लस क्यू जेड, क्यू एक्स प्लस क्यू वाई प्लस क्यू जेड माइनस क्यू एक्स प्लस डी एक्स क्यू वाई प्लस डी वाई प्लस क्यू जेड प्लस डी जेड। भाई इतना होगा जितना यहाँ से इन हुआ यहाँ से आउट हुआ, तो उसमें से जो एंटर घटाएंगे तो इतना हीट कंडक्ट हुआ, नेट अमाउंट
जो इसके इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करेगा, जो हीट इसके अंदर हो बची होगी ठीक है उसके इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करेगा। तो ये आ गया। अब जब इसको आप इसमें से घटाओगे ना क्यू एक्स प्लस क्यू वाई प्लस क्यू जेड ये सब चीज़ें है नहीं, तो आपके पास जैसे क्यू एक्स में से क्यू एक्स प्लस डी एक्स घटाएंगे तो क्या बचेगा बताओ। अगर मैं यहीं पर ही घटाऊँ तो माइनस के डी जेड डी वाई डेल डी ओवर डेल एक्स क्या बचेगा बताओ। जब मैं इसमें से ये घटाऊंगा तो ये माइनस ये प्लस तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा तो ये माइनस हो रहा तो ये प्लस क्या बचेगा, ये बचेगा कि के ये बचेगा ना देखो डेल ओवर डेल एक्स के डेल टी ओवर डेल एक्स है नहीं, ये बचेगा और इसमें क्या बचेगा, इसमें ये बचेगा देखो डेल ओवर डेल वाई के डेल टी ओवर डेल वाई और इसमें क्या बचेगा डेल ओवर डेल जेड के डेल टी ओवर डेल जेड और बाहर से आ जाएगा डी एक्स डी वाई डी जेड पूरे में कॉमन ये बचेगा। ऑफ ये तो हो गई हमारी पहली इक्वेशन। अब दूसरी क्वेश्चन क्या है कि जो ये हीट जनरेट हो रही है इस एलिमेंट के अंदर, अब देखो ये सब ना पर यूनिट टाइम है, वॉल्यूम का टर्म इसमें है डी एस डी वाई डी जेड पर यूनिट टाइम है, पर अब जो ये हीट जनरेशन हो रही है, हीट जनरेशन कितनी हो रही है, हीट जनरेशन इनटू द एलिमेंट डी एक्स डी वाई डी जेड पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम ठीक है कितनी हो रही है Q डॉट dx dy dz। भाई ये आ गया पर यूनिट टाइम ठीक है। अब ये पर यूनिट क्योंकि Q डॉट जो है वो पर यूनिट वॉल्यूम था, वाट पर मीटर क्यूब, ये क्या है वाट, भाई यूनिट का भी ध्यान दिया था वाट, और ये भी क्या है जो यहां पर से निकाला हमने वाट। तो ये हमारी आ गई दूसरी इक्वेशन। अब देखो नेट अमाउंट ऑफ हीट कंडक्टेड मतलब कि जो नेट अमाउंट है इसमें हीट का और जो ये हीट जनरेशन के थ्रू जो हीट जनरेट हो रही है, तो ये दोनों क्या करेंगे, दोनों ऐड होके क्या करेंगे इंटरनल एनर्जी बढ़ाएंगे, किसकी जो ये एलिमेंट है इसकी एनर्जी बढ़ाएंगे। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी रेट आएगा पर यूनिट टाइम ही आएगा ना क्योंकि सब तो पर यूनिट टाइम चल रहा है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ दैट एलिमेंट। अब इंटरनल एनर्जी क्या होता है, जो इनर्जी होती है कौन कौन सी होती है, जब आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखते हो उसमें क्यू इक्वल्स टू डेल ई प्लस डेल डब्ल्यू होता है एनर्जी, तो उसमें जो एनर्जी वाली होती है वो टोटल एनर्जी होती है, कौन कौन सी एनर्जी होती है काइनेटिक पोटेंशियल इंटरनल एनर्जी। रेट ऑफ चेंज ऑफ अगर एनर्जी किसी भी सिस्टम की इंक्रीज होगी तो कौन कौन सी एनर्जी इंक्रीज होगी, काइनेटिक पोटेंशियल और इंटरनल एनर्जी। अब यहाँ पर काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी नेगलेक्ट करके चल रहे हैं हम, सॉलिड बॉडी है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी नेगलेक्ट, तो केवल कौन सी इंटरनल एनर्जी बची, इंटरनल एनर्जी जिसे हम यू से डिनोट करते हैं ठीक है। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी कैसे निकालते हैं, एम डॉट सी पी डेल्टा टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी क्या होता है, एम सी पी डेल टी ओवर डेल, ऊपर वाला डेल टी क्या है टेम्परेचर, नीचे वाला क्या है टाइम, एम सी पी, अब एम क्या है मास, मास किसका ये जो एलिमेंट है, तो क्या होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम कितना है डी एक्स डी वाई डी जेड मल्टीप्लाई करके, तो क्या आएगा वॉल्यूम डी एक्स डी वाई डी जेड वॉल्यूम, डेंसिटी कितनी रो मान ली सी पी डेल टी ओवर डेल टी, डेल टी ओवर, ये हो गई तीसरी क्वेश्चन।
दिख रहा है ना? हाँ समझे। अब भाई तो क्या होगा, फर्स्ट और सेकंड को जब जोड़ेंगे तो वो किसके बराबर होगा? थर्ड के बराबर। क्यों? एनर्जी बैलेंस इक्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी बैलेंस इक्वेशन लगाएंगे ना। तो जब हम फर्स्ट और सेकंड को जोड़ेंगे, फर्स्ट क्या है हमारा, डेल ओवर डेल एक्स के डेल टी ओवर डेल एक्स प्लस डेल ओवर डेल वाई के डेल टी ओवर डेल वाई प्लस डेल ओवर डेल जेड के डेल टी ओवर डेल जेड। ये तो हो गई फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड क्या है, क्यू डॉट डी एक्स डी वाई डी जेड। इसमें एक टर्म रह गया यहाँ पर, कौन सा वाला, डी एक्स डी वाई डी जेड है नी, ये वाला टर्म प्लस। अब ये किसके बराबर होगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ दैट एलिमेंट। तो ये क्या है, डी एक्स डी वाई डी जेड रो सी पी डेल टी ओवर। अब भाई वॉल्यूम वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, तो क्या बचेगा, डेल ओवर डेल एक्स के डेल टी ओवर डेल एक्स प्लस डेल ओवर डेल वाई के डेल टी ओवर डेल वाई प्लस डेल ओवर डेल जेड के डेल टी ओवर डेल जेड प्लस क्यू डॉट, ये क्या है, रो सी पी डेल टी ओवर डेल टी। ये क्या आ गई, जनरल इक्वेशन आ गई, जनरल इक्वेशन आ गई, समझ गए, यही है जनरल इक्वेशन। तो देख लो यहाँ पर टेम्परेचर किस किस पे चीज पे वेरी, जो टेम्परेचर किस पे वेरी कर रहा है, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड और टाइम टी, ठीक है, किस पे कर रहा है, टाइम टी। अब हमको अगर टेम्परेचर जो ये है निकालना है तो हमको क्या क्या चाहिए। अब भाई हमने जनरल इक्वेशन तो निकाल दी, अब इस जनरल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल और डेंसिटी ऑफ द मटेरियल और स्पेसिफिक हीट, मतलब प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, समझे, प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल जिसमें डेंसिटी स्पेसिफिक हीट और थर्मल कंडक्टिविटी, और शेप ऑफ द बॉडी है नहीं, और इनिशियल एंड बाउंड्री कंडीशंस। भाई बाउंड्री कंडीशंस की जरूरत पड़ेगी कि आपको देखना पड़ेगा ना कि यार इस बाउंड्री पे टेम्परेचर, अगर मैं एक्स इज इक्वल्स टू जीरो पे कितना टेम्परेचर है, एक्स इज इक्वल्स टू वाई, वाई इज इक्वल्स टू जीरो पे कितना टेम्परेचर है, जेड इज इक्वल्स टू जीरो पे कितना टेम्परेचर है, ये तो आपको मालूम होगा ना, इनिशियल और बाउंड्री कंडीशंस तो मालूम होंगी ना, तभी तो आप सॉल्व कर पाओगे है नहीं। तो इन चीज़ों पर देखा जाता है। तो भाई अब ये है जनरल इक्वेशन, अब इसको अगर हम और मॉडिफाई करें, अब जैसे थर्मल कंडक्टिविटी अगर वेरी कर रहा है आपका, अब थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, अब आपको पता है जो कोई भी बॉडी होती है थर्मल कंडक्टिविटी, आप जो सॉलिड बॉडी अगर लोगे तो थर्मल कंडक्टिविटी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वेरी करता है फॉर ए लार्ज रेंज। मतलब अगर मैं 200 केल्विन पर किसी मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी कुछ और है, और अगर मैं 300 केल्विन पर देखूँ तो ज़्यादा अंतर नहीं होगा उन दोनों के बीच में, तो एवरेज, तो हम लेके चलते हैं कि 200 से 300 केल्विन के बीच में थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट, कोई दिक्कत नहीं। पर अगर लार्ज रेंज है थर्मल 200 केल्विन और 1000 केल्विन, तब आपका दिखेगा कि वेरिएशन दिखेगा। पर हम अगर ये मान के चलें कि थर्मल कंडक्टिविटी हमारी कांस्टेंट है जो हमारा मटेरियल है, तो क्या होगा, तो जो थर्मल कंडक्टिविटी वाला मटेरियल टर्म है ये बाहर आ जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर के साथ तो फिर वेरी कर नहीं रहा है, कांस्टेंट है, हमने यूनिफॉर्म मान लिया, तो ये बाहर आ जाएगा इसके, ठीक है, बाहर आ जाएगा।
तो अगर जब ये बाहर आ गया तो फिर क्या होगा? तो यहाँ पर थोड़ा मिटा लेते हैं। तो अगर ये बाहर आ गया थर्मल कंडक्टिविटी वाला टर्म, तो क्या होगा? के तो डेल ओवर डेल एक्स इंटू डेल टी ओवर डेल एक्स हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? डेल स्क्वायर टी ओवर डेल एक्स स्क्वायर, है नहीं? तो ये मैं अगर कांस्टेंट बाहर ले लूँ, अब ऐसे ही डेल स्क्वायर टी ओवर डेल वाई स्क्वायर, ऐसे ही डेल स्क्वायर टी ओवर डेल जेड स्क्वायर प्लस क्यू डॉट इज इक्वल टू रो सी पी डेल टी ओवर डेल टी, ये हो जाएगा, समझ गए? और अगर मैं इसको इधर ले आऊं, प्लस क्यू डॉट डिवाइड बाय के रो सी पी डिवाइडेड बाय के डेल टी ओवर। अब भाई मैंने आपको पता रखा है थर्मल डिफ्यूजिविटी क्या होता है, अल्फा, अल्फा क्या होता है? के वाई रो सी पी, के वाई रो सी पी, इसे कहते हैं थर्मल डिफ्यूजिविटी, समझे? थर्मल डिफ्यूजिविटी मैंने पढ़ा रखा है। तो ये क्या हो गया अब? और ये वाला टर्म क्या है पहले बताओ? इसको हम लिख सकते हैं डेल स्क्वायर कैपिटल टी, ये हो गया 1 बाई अल्फा। इसको ऐसे लिख सकते हैं डेल स्क्वायर, ये मैथमेटिकली टर्म डेल स्क्वायर टी प्लस क्यू डॉट वाई के 1 बाई अल्फा डेल टी ओवर डेल टी, समझे? अल्फा क्या है? थर्मल डिफ्यूजिविटी, समझ हो ना? और अगर चलिए अब ये हम ना इसको और सॉल्व कर रहे हैं, अब जैसे कि अगर मैं इसमें जो हीट जनरेशन वाला टर्म है अगर उसको मैं जीरो कर दूं, जो हीट जनरेशन वाला टर्म है इसको जीरो कर दूं, मतलब कि बॉडी में कोई हीट जनरेशन नहीं हो रहा, नहीं हो रहा? जैसे हम अगर क्वेश्चन में आपको दे रखा कि हीट जनरेशन नहीं हो रहा बॉडी में, तो आप जीरो कर दो, तो आपके पास क्या इक्वेशन बचेगी? ये बचेगी बस, इसको सॉल्व कर लो। हीट जनरेशन नहीं हो रहा पर टेम्परेचर का जो फील्ड है एक्स और वाई और जेड डायरेक्शन में है, मतलब वेरी कर रहा है टेम्परेचर, तो ये कौन कौन सी कंडीशन है? हीट, नो हीट जनरेशन, नो हीट जनरेशन, अनस्टेडी स्टेट। भाई अनस्टेडी स्टेट है भी, क्यों? क्योंकि टेम्परेचर टाइम के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है। अनस्टेडी, नो हीट जनरेशन पर अनस्टेडी स्टेट। यहाँ पर क्या था? यहाँ पर क्या था? हीट जनरेशन, नो अनस्टेडी स्टेट, ठीक है, और थर्मल कंडक्टिविटी वेरिएबल। वेरी कर रही थी, तीन टर्म थे यहाँ पर, थर्मल कंडक्टिविटी वेरी कर रही थी, हीट जनरेशन भी था, अनस्टेडी स्टेट भी है। अब यहाँ पर क्या करा मैंने, यहाँ पर थर्मल कंडक्टिविटी वाला टर्म हट गया और नो हीट जनरेशन वाला टर्म भी हट गया और पर अनस्टेडी स्टेट है। पर अगर मैं कहूँ कि नो हीट जनरेशन और स्टेडी स्टेट कहूँ, तो स्टेडी स्टेट मतलब टेम्परेचर इज नॉट ए फंक्शन ऑफ टाइम, इज नॉट ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो भाई ये वाला टर्म भी जीरो हो जाएगा, तो क्या बचेगा? केवल ये बचेगा, डेल स्क्वायर टी इज इक्वल टू जीरो, समझे? तो ये जो इसको हम कहते हैं,
सॉरी बंद हो गया था। देखो क्या हो गया इसका, अब जो लाप्लास इक्वेशन इन टेम्परेचर, इसको क्या लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर टी ओवर डेल एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर टी ओवर डेल वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर टी ओवर डेल स्क्वायर को जीरो। इसका मतलब जो टेम्परेचर का जो वेरिएशन हो रहा है एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में, एक्स वाई जेड डायरेक्शन में टेम्परेचर फील्ड थ्री डायमेंशनल, ठीक है। तो अगर अगर आपको वन डायमेंशनल स्टडी स्टेट नो हीट जनरेशन, वन डायमेंशनल स्टडी स्टेट नो हीट जनरेशन नो और थर्मल कंडक्टिविटी भी वेरी नहीं कर रहा, तो आप क्या करोगे, डेल स्क्वायर ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, तो डेल स्क्वायर टी ओवर डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ये वाला टर्म बचेगा, है नहीं, डेल स्क्वायर टी ओवर डेल स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ये वाला टर्म बचेगा, क्योंकि वन डायमेंशनल स्टडी स्टेट हीट जनरेशन, क्योंकि टेम्परेचर केवल एक्स डायरेक्शन में ही वेरी कर रहा है। तो फिर आप इक्वेशन ऐसे करके सॉल्व कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। समझे, अब थर्मल डिफ्यूजिविटी के बारे में आपको बता रखा था मैंने कि थर्मल डिफ्यूजिविटी क्या होता है, कि एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू अलाउ हीट एनर्जी टू गेट डिफ्यूज्ड। अब जैसे थर्मल डिफ्यूजिविटी अल्फा के वाई रो सी पी, के क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी, रो सी पी क्या है, हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी मतलब कि जो हीट कितनी एनर्जी वो उसकी एबिलिटी स्टोर करने की पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम हीट एनर्जी स्टोर करने की कितनी कैपेबिलिटी है उसकी। तो जितनी अच्छी थर्मल कंडक्टिविटी होगी उतना अच्छा थर्मल डिफ्यूजिविटी होगा, मतलब कि ये बताता है थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है, एबिलिटी टू कंडक्ट हीट, एबिलिटी टू कंडक्ट हीट, कंडक्ट करने की हीट एबिलिटी, कितनी अच्छे से वो जो हीट है उस मटेरियल से कंडक्ट कर सकता है, ट्रांसफर हो सकता है। और नीचे वाला टर्म हीट कैपेसिटी क्या बताता है, कि वो जो मटेरियल उस जो हीट है उसको कितने अच्छे से स्टोर कर सकता है, समझ गए। तो हमको एक तो बता रहा है कि कितने अच्छे से स्टोर कर सकता है, एक बता रहा है कितने अच्छे से कंडक्ट कर सकता है। तो जिसकी अगर कोई भी मटेरियल उसकी अगर थर्मल कंडक्टिविटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी अगर उसकी थर्मल कंडक्टिविटी है, तो उसकी थर्मल डिफ्यूजिविटी भी हीट को डिफ्यूज करने की अच्छी होगी, डिफ्यूज करने मतलब तेजी से आगे बढ़ने की, यहाँ से आगे बढ़ाने की थर्मल डिफ्यूजिविटी। अब देखो अगर वाटर और आयरन की बात करो, तो जो वाटर की हीट कैपेसिटी है एनर्जी स्टोर करने की कैपेसिटी बहुत अच्छी है, और उसकी थर्मल कंडक्टिविटी देखो, जिसकी हीट कैपेसिटी करने की अच्छी होती है, हीट कैपेसिटी अच्छी होती है एनर्जी स्टोर करने की, उसकी थर्मल कंडक्टिविटी ऑब्वियसली कम होगी, वाटर की देख लो 0.62 के करीब है थर्मल कंडक्टिविटी। अब ऐसी आयरन देख लो, आयरन की जो अगर आप उसकी हीट कैपेसिटी देखोगे तो 0.2 में 0.6 ऐसे करके है, पर उसकी जो हीट कंडक्ट करने की कैपेसिटी है एबिलिटी है वो कितनी, वो बहुत ज़्यादा है, समझे। तो थर्मल डिफ्यूजिविटी बताता है कि एबिलिटी ऑफ द एबिलिटी ऑफ द हीट एनर्जी टू गेट डिफ्यूज्ड इनटू फ्रॉम द एलिमेंट, समझे। तो ये तो हो गया जनरल इक्वेशन, मैंने बताई आपको फॉर ए क्यूबिक शेप डी एक्स डी वाई डी जेड, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्यूबिक शेप का है। इससे आगे मैं बताऊंगा आपको सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में, उसके बाद फिर स्पेरिकल कोऑर्डिनेट्स में उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन देखेंगे, उसकी जनरल इक्वेशन देखेंगे। अभी जनरल इक्वेशन फॉर ए सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट मतलब कि सिलेंडर, सिलेंडर में उसकी जनरल इक्वेशन थ्री डायमेंशनल जैसे इसमें देखी थी, ठीक है।
चलिए।